through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I मेरी कुछ पिक्स देख लें, आपको मेरी इन पिक्स में मेरी स्किन की ग्लोइंग एंड फेयरनेस काफी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी। दरअसल मैं पिछले कुछ एक वीक से काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी स्किन पर, ताकि मैं आपको एक जबरदस्त वीडियो ला कर दे सकूं। तो मैंने अपने इन लास्ट वीक में स्किन में कुछ ऐसी रूटीन डाली, कुछ ऐसी रूटीन ऐड की जो कि मेरी स्किन में ब्राइटनेस, फेयरनेस और ग्लोइंग ला रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज की वीडियो में आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आपको पानी ज्यादा पीना है, आपको सुबह और शाम को फेस वॉश करना है। ये बातें आपको पता है, ये बेसिक है, ये आपने करनी ही करनी है। उसके साथ आपको इन चार स्टेप को लाजमी फॉलो करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इन चार स्टेप में लास्ट वाला स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी स्किन में काफी ज्यादा इंस्टेंटली चेंज लाएगा। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में हम देखेंगे टॉप 4 पॉइंट जो कि मैंने स्किन पर अप्लाई की हैं। मैं इस बात की वारंटी लेता हूं कि आपकी स्किन में भी काफी ज्यादा ग्लोइंग लाएंगे एक वीक के अंदर। अगर आप इसे रेगुलरली अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर, तो आपकी स्किन में काफी ज्यादा ब्राइटनेस आएगी। अगर आपको इसका कोई भी असर ना हो तो बेशक वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाइएगा, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी अपनी स्किन में फर्क नजर आई है स्किन केयर अप्लाई करने के बाद, तो प्लीज प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक लास्ट में कीजिएगा। तो आपको इन चार स्टेप को फॉलो करना है, इन चार स्टेप पॉइंट को आपको लाजमी फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जो रिसर्च किया है वो इस पॉइंट 4 नंबर 4 पे किया है। तो पॉइंट नंबर 4 को मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। तो पॉइंट नंबर 1 है स्क्रबिंग। हम स्क्रबिंग आमतौर पर इग्नोर करते हैं या छोड़ देते हैं, वो इसलिए कि हमें लगता है कि शायद इसका कोई हमारी स्किन पर असर नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्क्रबिंग का आपकी स्किन पर असर होता है, लेकिन स्लोली वो आपकी स्किन में ज्यादा असर दिखाना स्टार्ट करता है। तो आपको कभी भी स्क्रबिंग को मिस नहीं करना, आपको इस वीक में लाजम स्क्रबिंग करनी। आपको स्क्रबिंग के लिए सबसे पहले चाहिए कॉफी। आप कोई भी कॉफी यूज कर सकते हैं, आप छोटा पैकेट या बड़ा पैकेट आपका जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं। आपको एक चम्मच कॉफी चाहिए, उसके बाद आपको उसमें रोज वाटर मिलाना है, रोज वाटर इतना के ताकि वो गीली हो जाए। आपको तीसरे नंबर पे जो चीज आपको मिलानी है वो है शुगर। अगर आप शुगर मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह मिक्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि शुगर के जो दाने होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होने चाहिए, अगर बड़े होंगे तो वो जल्दी मिक्स नहीं होंगे। आप उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप उसे अपने फेस पर अप्लाई करें। आपको 15 मिनट तक रहने देना है और फिर ठंडे पानी से धो लेना है। इससे आपकी जो फेयरनेस होगी वो अचानक आना स्टार्ट हो जाएगी। कॉफी, रोज वाटर और चीनी, ये शुगर आपकी स्किन के लिए तीनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शुगर आपकी स्किन में से इंप्योरिटीज सारी निकाल कर बाहर फेंक देगी। कॉफी से आपकी स्किन में ब्राइटनेस आएगी और जो रोज वाटर है वो आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर लाएगा। आपको चाहिए पेस्ट।
ये वो कॉपी पेस्ट वाला पेस्ट नहीं है, ये पेस्ट वाला है फेस पर लगाने वाला। तो आपको पेस्ट में सबसे पहले ग्लैसरीन चाहिए, आप ग्लैसरीन कोई भी ब्रांड का किसी तरह का यूज कर सकते हैं। आपको हाफ चम्मच ग्लैसरीन चाहिए, उसके बाद आपको 2 टेबल स्पून आपको एलोवेरा डालनी है। आप कोई भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं या फिर आप नेचुरल प्लांट से भी निकाल सकते हैं। आपको 2 टेबल स्पून एलोवेरा चाहिए, उसके बाद आपको विटामिन ई की 3 कैप्सूल, अगर आप विटामिन ई के 3 कैप्सूल, दो दो काफी हैं, आप विटामिन के 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। आपको विटामिन ई, मैं यहाँ पर 40 mg यूज कर रहा हूँ, आप 80 भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 40 mg यूज कर रहा हूँ। तो आपको इन तीनों को मिक्स करना है और अच्छी तरह अपने फेस पर अप्लाई करना है। आपको तकरीबन आधा घंटा या 35 या 25 मिनट लास्ट में लगाना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी से धो लेना है। लेकिन एक बात खास पर ध्यान रखनी है कि जब आप इसे पेस्ट को बना लें, तैयार कर लें, तो कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीजर में लास्ट में रखें, ताकि ये ठंडा हो जाए और आपकी स्किन पर ज्यादा असर करे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and I... तो फेस पर स्क्रबिंग और पेस्ट लगाने के बाद आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। आपको यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम नहीं करना, आपको सिंपली एक लीमू चाहिए। आपको लीमू को किसी वार्म वाटर में, या फिर आप ज्यादा ठंडा ना हो कम ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं। आपको लीमू को दोनों पीस को, यानी कि लार्ज पीस ऑफ लीमू हो यानी कि बड़ा लीमू हो, आपको उसे वाटर में, ग्लास वाटर में डालना है और फिर उसे पी जाना है। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा कड़वा होगा, खट्टा होगा, लेकिन आपको किसी भी तरह ऊपर नीचे होकर आपको ये पानी पीना पड़ेगा। आपको बीच में शुगर नहीं डालनी, आपको बीच में हनी नहीं डालना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लीमू और एक ग्लास वाटर चाहिए, उसको मिक्स करना है और पी जाना है। इससे आपकी स्किन के अंदर ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, आपकी पूरी बॉडी ब्राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। लीमू सिट्रिक फूड है, तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लीमू एक दिन में लीमू वाटर लाजमी पिया करें, लीमू पानी लाजमी पिया करें, लेकिन शुगर ऐड नहीं करें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक को हिट कर लें ताकि आपको मेरी इन फ्यूचर में आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो यह है आईडी जिमी खान 07, मुझे लाजमी फॉलो करें। आपको मेरी आईडी पर एक लार्ज नंबर ऑप्शन मिलेगा कि आप किस तरह डेलीवरी को पेयर कर सकते हैं, आप किस तरह फोटोज में पोज बना सकते हैं, लाजमी फॉलो कीजिए। नंबर फोर जो कि सबसे मेन है, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद देखा कि कोई भी यूट्यूबर आपको इसके बारे में नहीं बता रहा, कोई भी यूट्यूबर आपको इसके बारे में आगाह नहीं कर रहा। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम रात के टाइम ऐसा क्या लगाएं कि हमारी स्किन सुबह काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये कोई जादू तो नहीं है कि आप एक दफ़ा लगाएं और सुबह आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाए, लेकिन आपको ऐसा ऐसा आपकी स्किन में फ़र्क नज़र आना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, फर्क नजर आना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कॉटन चाहिए, आप कॉटन ले लें यानी रुई, आप कॉटन ले लें। उसके बाद आपको रोज वाटर का स्प्रे करें, जब वो अच्छी तरह गीली हो जाए तो आप अपनी नेक पर, अपने फेस पर अच्छी तरह लगाएं, स्पेशली अपने फोरहेड पर, अपनी चिक्स पर, अपनी आईज के अराउंड यहाँ पर लास्ट में लगाएं। उसके बाद अगर आप अपनी नेक पर लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी नेक जितनी भी साफ हो वो आपकी जो रुई है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी रुई के अंदर आपकी जो जितनी भी डर्ट होगी नेक पर, स्किन पर, वो अच्छी तरह सोक हो जाएगी और आपकी सारी डर्ट बाहर निकल आएगी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक एक कमेंट और एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।